हो गई मेरी दुल्हन रेडी? हाँ हो गई, सब्र रखो थोड़ा। ओफ, अच्छा बाबा तुम वीडियो कॉल पे, मुझे देखना है। नहीं मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगी, अब सामने ही देखना, इतनी भी क्या जल्दी हो तुमको? और कितनी देर? बस 5 मिनट। कहाँ जा रहे हैं हम काव्या? पार्टी में जा रहे हैं। तो ऑफिस की पार्टी है कि शादी का है? अच्छी तो लग रही है, इतनी क्लासी साड़ी। छोड़ो भाई चलो, लेट हो रहा है, वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। जब पूछती हूँ कौन सी साड़ी लेनी है तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता है, फिर बोलोगे ये अच्छी तो नहीं। समझ नहीं तुम्हारे पे कहाँ बने क्या जाना है। तो इसमें क्या बुरा है, इतनी क्लासी साड़ी है। मैं पागल हूँ, चलो चलो चलते हैं, छोड़ो। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? चलना है या बहस करना है? लेट हो रहा है, वैसे मैं आधे घंटे से बैठा तुम्हारे। चुपचाप बोल देते अच्छी लग रही हो, खत्म हो जाती बहस। लेकिन नहीं, जाने के पहले तुमको मत जाओ, मैं अकेले जा रहा हूँ। और चलो पार्टी में सड़मों को ना के मत रहना। तो झगड़ते क्यों फिर जाने के पहले? पानी दो। देखा तुमने, मेरी साड़ी अच्छी लग रही थी, वहां सबने कितने अजीब अजीब साड़ी पहनी, मेरी क्लासी लग रही थी। तुम क्या इतना हंस के बात कर रही थी मल्होत्रा से? तो क्या हो गया, तुम औरतों से बात नहीं? मेरे ऑफिस के पार्टी में थोड़ा ढंग से रहते, जानते हो मल्होत्रा को, इतना नीचा आदमी। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे कलीग से मैं बात ना करूं क्या उनसे? और मैं ये देख के बात करूंगी। मेरे ऑफिस के पड़े थोड़ा ढंग से रहते यार, वहां लोग क्या सोच रहे होंगे। छोड़ो क्या सोच रहे होंगे, छोड़ो, तुमको बोलना ही बेकार, तुम कभी कुछ सुनती कहां हो? कब नहीं सुनती मैं तुम्हारी, साड़ी ढंग के पहने थे वहां, जो मैं बोला था जैसे रहना है वैसे रहे नहीं, क्या फायदा? और तुम मेरे को लेके कैसे गए थे? ये क्या साड़ी पहनी है, ये क्या किया हुआ? काव्या क्या है, क्यों चिल्लाते रहते हो? कभी तो समझा करो मैं क्या कह रहा हूँ। समझती तो हूँ, तुम नहीं समझते, मुझे पार्टी में लेके। छोड़ो भाई, तुमसे बात करने बेकार है। नहीं माँ, मेरे करियर का क्या, मैंने उससे कह दिया है कि अगर अब उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं अपना डिसीजन ले लूंगी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू ओवरकम एवरीथिंग। थोड़ा टाइम दो बेटा। क्या टाइम माँ, किसको टाइम दो? विराट के पास दिन का एक घंटा भी नहीं है मेरे लिए। इजी मेरे लिए भी नहीं है ये एक्सेप्ट करना कि जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ वो मेरे ऊपर अब हाथ उठाने लगा है।
इतना आसान नहीं है। सब ठीक हो जाएगा काव्या, डोंट वरी। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ पार्क जाऊँगी, थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँगी। ठीक है, बाय। साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लास्ट मंथ की फंक्शन रिपोर्ट के साथ हमने इतने परसेंटेज की गेन की है। अगर हम इसी से चलते रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सर एक मिनट। हेलो काव्या, विराट तुम्हें पता है मैंने भी क्या देखा? व्हाट द हेल काव्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही, तुम्हें समझ नहीं आता बिल्कुल भी? मुझे थोड़ी पता था यार। चुप रहो। तुम्हें कितनी बार काम क्यों डिस्टर्ब करती हो अपनी फालतू बातों के लिए? और मेरी लाइफ जो डिस्टर्ब हो गई है उसका क्या? क्या डिस्टर्ब, कौन सी लाइफ? कौन सी लाइफ मतलब? मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। बाप रे क्या हो गया, ऐसी क्या बातें कर रहे हो? देख लो टाइम है तुम्हारे पास। चुप। हाँ मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड भेज रहा हूँ। हाँ क्या कर रही थी तुम? देखा तुमने क्या देखा? काम कर रहा हूँ अपने लिए, हमारे लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे ऑफिस का क्या, मेरी जॉब का क्या? अरे बाबा तो उस समय परिवार को जरूरत थी, तुम्हें छोड़ना पड़ा। और अब आप कहा मैं कमा रहा हूँ, कम पड़ रहा है क्या? हाँ राइट, जरूरत है तुम इस रिश्ते से निकलने की, तुमको छोड़ने की। तो फिर शादी क्यों की मुझसे? हाँ क्योंकि शादी के पहले तुम ऐसे नहीं थे और अब रहने लायक नहीं हो। हाँ यही तो कर सकते हो ना तुम, मानने के लिए आता क्या है तुम? चुप रहो बदतमीज औरत। बस मुझे यही करना है, तुमसे दूर चलना है, मेरे को ये शादी से बाहर निकलना है। तो जाओ। ये क्यों फोन कर रही है अभी मुझे?
हेलो। हाँ रितु, अभी तुम आ रही हो? अच्छा ठीक है। क्यों आ रही है ये अब? काव्या जा बेटा, तैयार हो जा, मासी आने वाली है तेरी, जा। मासी पानी। अरे बैठो बेटा। और कब आई? मैं आज ही आई। और कैसा चल रहा है सब कुछ घर में? ठीक है मासी। सब ठीक है? हाँ। विराट कैसा है? विराट भी बढ़िया। उसको साथ नहीं लाई? नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ। क्यों? वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। और खुशखबरी कब दे रही हो? खुशखबरी मतलब? फ्यूचर प्लानिंग वगैरह। क्यों, शादी को 2 साल हो गए, कब दोगी खुशखबरी? आप कुछ बोले दीदी इसको? मासी मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया। क्या डिवोर्स? दीदी क्या बोल रही है, दिमाग तो ठीक है इसका? मैं और विराट डिवोर्स ले रहे हैं। शादी में कोई मजाक है क्या? क्या बोल रही हो ये तुम? मासी प्लीज़, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या प्लीज़ दीदी, आप समझाइए इसको। शादी वादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसको तो लव मैरिज करनी थी ना, देख लिया हो गया। मैं जब रिश्ते लाई तब तो इसने मना कर दिया। कैसी बात कर रही हो रितु तुम? तो क्या हो गया मासी? मम्मी आप ही कुछ बोलो, मैं। अरे दीदी ये तो पागल हो चुकी है, आप समझाइए इसे, ये कोई एज है? इस एज में डिवोर्स लेके बैठ जाएगी, समाज क्या बोलेगा? और फिर डिवोर्स लेके क्या मायके में पड़ी रहोगी तुम? देखो रितु, ना तो मेरी बेटी बच्ची है और ना ही ये उसका बचपना है। वो इतनी भी छोटी नहीं है कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ना ले सके। वो जो करना चाहती है करेगी। और दीदी करण का क्या, उसकी वाइफ जब आएगी तो वो क्या देखेगी ये सब, और ये मायके में पड़ी रहेगी? कुछ समझाइए इसे आप। पड़ी रहेगी का क्या मतलब है मासी? तुम तो चुप रहो, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे दीदी आप पागल हो गए हो क्या? ये तो बच्ची है, आप तो समझदार है ना, दोनों के बैठाइए और बात की और समझाइए दोनों को। आप बोले तो मैं बात करती हूँ। विराट से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने लाइफ के डिसीजन वो दोनों मिलके खुद ले लेंगे। हेलो काव्या, बेटा कब से कॉल कर रही हो तुम्हें, तुम्हारा कॉल ही नहीं रख रहा है। और कहाँ हो तुम, यहाँ तुम्हारा सामान भी नहीं है, विराट से पूछ रही हूँ तो वो भी कुछ नहीं बता रहा है, क्या हुआ है बेटा? मम्मी वो। अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया है? मैं और विराट डिवोर्स ले रहे हैं। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ यहाँ मेरे बेटे की गलती है, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, और मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। विराट ने तुम पर हाथ उठाया ये सुनकर ही मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। शायद मैं अपने बेटे को ये नहीं सिखा पाई कि औरत भले ही उसकी पत्नी क्यों ना हो, पर वो भी देवी का रूप होती है। सॉरी बेटा। ठीक है, आप ऐसा मत कहिए। और काव्या चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब भी तुम माँ बोलोगी तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारी मम्मी साथ खड़े मिलेंगे। थैंक यू मम्मी जी। हमेशा खुश रहो बेटा, और अब अपने करियर पर ध्यान दो और खूब आगे बढ़ो।
ऐसा किसका मैसेज आया जो इतना मुश्किल आ रही है? और उसके कलीग्स ने सब कांग्रेचुलेट किया। काव्या, फॉर यू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। सी क्या जरूरत थी यार? नहीं यार। तो फिर ट्रीट कब दे रही हो? जब तुम बोलो। ओके, आई विल टेल यू। करण, सॉरी ब्रो, बैठ ना। ये मेरा भाई है करण, और करण ये विवान, विवान मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर, कलीग, और बहुत अच्छा, मेरी बहुत हेल्प करता है और काफी इंप्रूव करता है। ना रोड, शी इज मोर टैलेंटेड। कम ऑन यार, चलो फिर मैं ठीक है निकलता हूं। क्यों लंच साथ में कर लेते ना? नहीं, मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। काव्या, हाँ लंच टाइम है। हाँ तो 2 मिनट बस ये खत्म कर लूँ फिर कर रही। पहले लंच काम बाद में, पहले लंच चलो। काम बाद में, खाना पहले। क्या है काव्या, काम नहीं करते अपना, तुम ही खाओ। खाना तो खा लो। नहीं खाना है मुझे अपना, तुम ही खाओ। दे लो, अभी भी तुम्हारा काम चालू है, लो। खा रही हूँ। खाना सामने रखा हुआ है। खा रही बाय विवान। काव्या, हाँ बोलो ना। काव्या, बहुत दिनों से कुछ बात करना चाह रहा था। क्या? एक्चुअली आई लाइक यू। क्या? हाँ, और आगे की लाइफ ना मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विवान, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्यों काव्या, क्यों? मैंने कह दिया ना, ये पॉसिबल नहीं है। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? पर क्यों नहीं हो सकता काव्या?
ये नहीं हो सकता है विमान। मुझे रीजन जानना है क्यों। मैं नहीं बता सकती, बस नहीं हो सकता है। तुम काव्या, मुझे रीजन जानना है। क्या जानना है तुमको? सब तो पता है तुम्हें। नहीं पता है मैं डिवोर्सी हूँ? नहीं पता है मेरी शादी टूट चुकी है? क्या सुनना चाहते हो लाइफ में आगे? यही कि एक डिवोर्सी शादी कर ली? काव्या? हाँ? क्या हुआ, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ टाइम अकेले रहना है। कुछ टाइम या लाइफ टाइम? क्या मतलब? विमान का मुझे कॉल आ गया था तेरे ऑफिस से निकलते ही। हाँ तो बता दिया ना तुमने, उसे समझा दिया ना कि ये सब नहीं हो सकता है? उसे समझाने की जरूरत नहीं है काव्या, तुझे समझने की जरूरत है। तू पागल हो गया क्या करण? तू नहीं समझ रहे इतनी इस चीज की, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरी इससे पहले शादी हो चुकी है और टूट भी चुकी है, और अब मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं पागल हो गया हूँ? हाँ तू पागल हो रही है, तुझे समझने की जरूरत है। क्या? यही कि क्या डाइवोर्सी लगा रखा है तूने? उसके आगे भी कोई जिंदगी है कि नहीं है? यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, और तू कब से ये सोसाइटी के बारे में सोचने लगी? विवान को एक मौका तो दे के देख। पर उसको पूरे जिंदगी भर यही सुनना पड़ेगा कि उसने एक डिवोर्सी शादी कर ली, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये डिसीजन मुझे लेने को ना काव्या। जाओ यहाँ, अपनी बात रखे बिना नहीं। और क्या बात करनी है विवान? यही कि मैं उस काव्या से प्यार करता हूँ जो डिवोर्स के बाद सोसाइटी की इन फालतू की बातों पे नहीं, अपने लाइफ पे फोकस करती है, जो डिवोर्स को अपनी ग्रोथ के आड़े आने नहीं देती है। पर बात मेरी नहीं है विवान, बात हमारी है, हमारे फ्यूचर की है। मैं अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ देखता हूँ काव्या, और मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए ये सीख मिली है कि मैं इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी स्ट्रांग। तुम्हारा पास्ट हमारे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेंथ बनेगा और मेरे लिए एक वार्निंग। मम्मी आप ही समझाओ यार इसको, वैसे तो कोई समझने वाली है नहीं है। ठीक ही तो कह रहे हैं बेटा दोनों, गलत क्या कह रहे हैं? डिवोर्सी होना और दोबारा शादी करना कोई क्राइम है? नहीं ना, तो फिर तुम अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हो, तुम्हारी लाइफ है। और किस सोसाइटी की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी खुशियां हमारे लिए मैटर करती है ना कि सोसाइटी? तुम्हारी इस फैसले से जब करण खुश है, विवान खुश है जिससे तुम्हारी शादी होनी है, तुम खुश हो, वो मायने रखता है बच्चे हमारे लिए, न कि दुनिया की खुशी। हम चाहते हैं तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, बस तुम अपना जो भी फैसला लो उसमें हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समाज हमसे है बेटा, हम समाज से नहीं। काव्या इट्स ओके टू मूव ऑन, मैं भी एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ। इट्स ओके टू गेट अ न्यू लाइफ, इट्स ओके टू गेट अ डिवोर्स, It's okay to get out of an abusive relationship. It's okay to give a second chance. It's totally okay. I'm asking you this again. Kavya, will you marry me? I love you too, Kavya. जहाँ जब उस जगह तुम ही हो, ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो,
इस ज़मीं से फलक के दरमियां।